कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। ये लोग अब आए हैं, चला क्या बोल रहा है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मेरा गला ही नहीं अच्छा हो रहा है, पता है, गला इतना दर्द कर रहा है और बोलने में भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो अभी आरोही और मम्मी आ रहे हैं, फिर मम्मी को दिलाना है साड़ी। कल तो हम लोग ले ही नहीं पाए थे, कल तो 8 बज गए थे, फिर सब बंद हो गया था इसलिए। और एक दो दुकान थी भी ओपन, बट एक दो पे जाते तो पता ही है पसंद तो आना है ही नहीं, इसलिए फिर हम लोग नहीं गए कि अब मॉर्निंग में आएंगे। तो ये लोग थोड़ा रेडी होके आते हैं, फिर हम लोग जाएंगे। दीदी भी जब तक आ जाएंगे, अभी तो दीदी आए नहीं है। तो ये लोग तो अभी तक नहीं आए, मैंने कॉल किया तो पहले सचिन को टिफ़िन देंगे, उसके बाद आएंगे। तब तक मैं पीती हूँ चाय, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, खाना खाने की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये लोग अब आए हैं, ये लेट जाते हैं मार्केट। मम्मी के लिए साड़ी नहीं पसंद आ रही है, इतना देख रहे हैं हम। इधर मम्मी की फाइनली साड़ियाँ ले ली, एक ये वाली एक ये वाली। चलो मैडम, इच्छा नहीं आपके चलने, मन नहीं कर रहा। इधर 99 वाला सामान लेने के लिए आए हैं, इधर आरोही। मम्मी और भैया को जाना है घर, भैया इधर बाहर ही वेट कर रहा, मम्मी अभी आए नहीं नीचे। आई रहा मम्मी दो से। लोग आ चुके हैं रिटर्न शोरूम, मम्मी की सारी शॉपिंग हो गई, अब हमको देखना है कि हमको क्या पहनना है। अभी कुछ नहीं लिया है हम लोगों ने, तो लेंगे आराम से। धूप इतनी है कि बिल्कुल भी घूमने का मन नहीं करता वहाँ। तो कुछ खाते हैं, कुछ खाने की इच्छा है। आज मुझे खाना है आलू बड़े, हमारे यहाँ के फेमस आलू बड़े। आलू बड़े खत्म हो जाते, मिलते नहीं है, देखते हैं किस्मत मेरी। आलू बड़े नॉट आलू बड़े, आलू खाने की इच्छा कर, आलू बड़े बहुत भूख लग रही है मुझे। तो कहा था ना आलू बड़े नहीं मिलेंगे, नहीं मिले, अब लेना पड़ेगा समोसे। मिलते ही नहीं, वो इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। बहुत तुम तो हेवी ड्राइवर बन रहे हो, हेवी ड्राइवर बनना पड़ेगा। क्यों बाबू? ए ए बम्माच, क्या हो गया बेटू, क्या हो गया? इधर बाबू मिल गया है, क्यूट क्यूट सा, वो आया है शॉपिंग करने, है ना बेटू? तो आज मुझे आते से खाने को मिल गया है चटोरी मिर्चल एंड पकौड़े। यार मुझे बहुत पसंद है आला मिर्चल, घर की याद आ गई। ऐसा तल के तो अपन भी रख सकते, तो क्यों नहीं बनाती? कुछ आता ही नहीं कुछ। ये पोहे फ्राई करना है और दाने तलना है और मिलाना है, और क्या करना है? ला देना, मैं बना दूँ। हाँ अभी चले, यहाँ साइड में मिल जाएंगे। आधा किलो पोहे, एक थैली से आऊँ, 1 किलो और पाव भर दाने ले, यहाँ से अभी, और 1 लीटर तेल और मसाला जलेगा। चल मैं क्या, चल बना के देना है मुझे। अभी बज चुके हैं 10:30, आज मेरा सारा काम हो गया बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि आते से मैंने सारा काम कर लिया था। आज मैं जल्दी सोऊंगी, मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई थी। कल मैं सोई थी 4 बजे और सुबह उठ गई थी 8:30 बजे, तो नींद ही नहीं हो पा रही, इसलिए मतलब दिन भर से एकदम सुस्त सुस्त और अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैंने फटाफट काम कर लिया। क्रेजी मार्केट से आ जाए, देन खाना खाते हैं, स्लीपिंग टाइम फिर। तो इधर खाना लग गया है, गिलकी और आलू की सब्जी है, और इधर रोटी का चूरमा है, पराठे, वो
बहुत जोर से मुझे भूख लग रही है क्योंकि 11 बज गए हैं, कैजी का भी आना हो गया है, खाना खा लेते हैं। इधर कैजी की तैयारी होने लग गई, ये देखो कपड़े, कैजी को भगा देते हैं अपने घर। है ना, चलो जाओ। हाँ नहीं मत, वही तो बोल रहे हैं, आना मत। उनको सबको प्रेस करनी है, जल्दी सोना तो क्या जल्दी सोना, मैं हूँ जब तक तेरी लाइफ में तो जल्दी सो नहीं सकती। तो बच गए हैं, एडिटिंग करनी अभी बची है, ये क्रेजी की पैकिंग भी अभी बची है, 2 बजे से पहले सोना हो ही नहीं सकता, सुलाना ही नहीं है। ले मत जाना चोर के। हाँ 1.5 लगता है गुच्ची जो है। ये तो पता चला कि मैं देखूँ 4-5 दिन बाद पर्स ही ना रहे, कितनी प्रेस करूं, जाते तो नहीं जाते, ये सल ये है कटे। जाना है तो कितने शिद्दत से काम हो रहा है, आओ भी नहीं हमें, मत ज्यादा बोला कर, जितना तेरे से हो पाए उतना ही बोला कर, ऐसे भी तेरे को खर्चे थे क्या करते रहते को? देखो कैसे का स्टाइल पेश करने का, सब टाइप से किया, उल्टे शर्ट को कौन करता है प्रेस, और ज्यादा बोला। मेरा फेस ऐसा क्यों हो रहा है, ये कमेंट आया था ना, तो गर्मी में मेरा फेस ऐसा ही होगा, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मेरे रूम में हवा मिल नहीं पाती ठीक से, इसलिए इतनी पिंपल हो जाती है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सब तेरी वजह से कन्फ्यूजन। क्या मैंने क्या किया, धुते धुले हुए सब सड़े हुए पड़े, ग्रे वाले शूज जो है ना न्यू के न्यू, वो तो पहना लेना, मेरे को आ जाएंगे। हाँ मेरे को छोटा पड़ने लग गए, मेरे पास और कौन कौन से शूज है यार, अरे तो मकड़ी वाले शूज भी है, वो नहीं जमेंगे इन पे सब पे नहीं, तो तुम मुझे कभी नहीं पहनने देती, तू सब दो नहीं बोल देती उनका, वो पूरे ब्लैक लेना था ना अपने को, क्या वो पेन खजूर कहाँ से लेते अपन, वो पूछा है किसी ने, उसका जरा बता देना, तो मुझे नहीं पता। पेन खजूर तो हम खुद बुलवाते हैं जुगाड़ में भैया से, वो वाले पेन खजूर यहाँ नहीं मिलते, बाहर से आते, कोई अगर बाहर रहता हो जैसे कि मनाली इधर उधर तो वहाँ से आ सकते, क्या वहाँ से उठने का इरादा है कि नहीं बताना, तो क्या करूं, क्या बताना है, ब्राउन वाले पेन ले लो और क्या, फाइनल ब्राउन रख दो इनको फिर इधर हटा, बहुत प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, पर ऐसा ब्राउन बहुत पेन ले कि ब्राउन ही पेन दो, ब्राउन ही पेन जाना। तो इधर कूलर में पानी डालते हैं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे, तो क्या हुआ, दीवार लग गई गोली में। तो गाइस फाइनली मेरा कल इंदौर जाना हो सकता है, सकता है, ओके। तो क्या बोलना था मुझे, हाँ कल मेरा इंदौर जाना शायद हो सकता है, और अगर हो गया तो 4 दिन का छुटकारा आपको भी और इसको भी मुझसे मिल जाएगा। आप लोग तो
मुझे इतना हेट नहीं करते हो आप लोग, तो मुझे लव करते हो बट ये मुझे हेट करती है, तो इसे 4 दिन के लिए छुटकारा मिल जाए। इससे पूछो कि इसे हम लोगों को अलग करके क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? खुशी। दुण 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 दुण। खुशी मिल रही है। देखा गाइस, खुशी चेहरे पे दिखी जाती है इंसान के, भले कितना भी अंदर से झूठ बोल ले। तो मुझे भी मिलना है मम्मी से। मम्मी मुझे बहुत डांट रहे हैं कि इस बार ज़्यादा ही टाइम हो गया मुझे गए हुए। बोल रहे 2-3 दिन रुकना और आराम से उसके बाद जाना। तो किसी का भी कॉल मुझे नहीं आना चाहिए कि याद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, कब आना होगा, जल्दी आ जाना वगैरह वगैरह। ठीक है, किसी का भी। तो बस वही, पक्का तो नहीं है मेरा 100% जाने का, 50-50 है चांसेस। लेकिन जाना होगा तो 4-5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए तो होगा ही होगा, कल का दिन, परसों का, तरसों का। तो इधर है ना, एक और प्रैंक का अपलोड पे लगा दिया मैंने, बताओ थोड़ी सी झलक। तो मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया एक और प्रैंक वीडियो। गाइस, खुशियां मनाने का समय बहुत ही नज़दीक आ रहा है ना। तो फाइनली अपन घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। अबे साले तू। तो गाइस मस्त एंजॉय करेंगे। फाइनली प्रैंक, मतलब न्यू प्रैंक का वीडियो आ चुका है। आप चैनल पे जाइए, फटाफट उसे वॉच कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि देखो अभी वो न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो। एंड जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उन्हें मैं बता दूँ कि हम लोगों का एक और चैनल है प्रैंक का वीडियो, और भी अच्छे प्रैंक वीडियो हम लाने वाले हैं। आप लोग भी वैसे कमेंट कर सकते हो बट आप करते नहीं हो कि किस तरीके के प्रैंक वीडियो लाए। खैर, आपके लिए वो चीज़ सरप्राइज भी रहनी चाहिए, बट आप भी सजेस्ट करो। अब पता है क्या है, आप लोगों को वेट नहीं हो रहा था कि कब आएगा प्रैंक वीडियो। और अब हमने, मतलब कि हमारी सिचुएशन ऐसी कर ली है कि हम सोचते कब आएगा मंडे, कब आएगा। हमारे पास इतना डाटा अभी रखा हुआ है कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा मंडे, कब आएगा, कब फटाफट पोस्ट करें और देखें 5 मिनट इस्माइल के। तो अभी बज चुके हैं 1:30 और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सोने की तैयारी कर लेनी चाहिए। कर लो तैयारी, कर लो। क्रेजी ने तो पता नहीं क्या क्या सब किया, प्रेस कर ली कपड़ों को, इसने आज मेरा जरा सा भी साथ नहीं दिया, सो गई थी। मैं तो सो गई थी बीच में, मुझे नींद आ गई, इतना सा भी मेरा साथ नहीं दिया इसने आज। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। क्या बोल रहा है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है, वो उसकी गा रही है तो गा रही है। और बहुत सारा शेयर कर दो मत। कोई बोल रहा है तो ये कोई वो नहीं है क्या तेरे में, सेंस नहीं है क्या तेरे में? चल गुड नाइट कर दे। कर तो दी, आप कर ही दे तू। बाय बाय, जय श्री महाकाल, टेक केयर। जय श्री महाकाल, गुड नाइट।